इन दिस क्वेश्चन हमें जो है वो करेक्ट ट्रू एंड फॉल्स के अकॉर्डिंग चेक करना है. तो फर्स्ट है कि वर्क डन बाय द सराउंडिंग इन केस ऑफ इनफाइनाइट स्टेज एक्सपांशन. तो ये तो वर्क डन बाय सिस्टम होता है. एक्सपांशन वर्क क्या होता है? वर्क डन बाय सिस्टम होता है, है ना. और कंप्रेशन वर्क क्या होता है? वर्क डन ऑन सिस्टम. जैसे ये कोई पिस्टन कंटेनिंग कंटेनर है, अब इसमें आइडियल गैस भरी है, तो अगर एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क डन बाय सिस्टम है, ये सिस्टम में हमारे आइडियल गैस है. और अगर कंप्रेशन होता है तो वो वर्क डन बाय क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया, ये पिस्टन नीचे की ओर जाएगा. तो ऑब्वियसली वर्क डन बाय सराउंडिंग, तो कंप्रेशन हो रहा है तो ये एक्सपांशन वाला नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया. इसमें सेकंड है, इरिवर्सिबल वर्क इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्सिबल वर्क. तो अगर विद साइन पूछा है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में यहां कंपेयर करवाया है. तो अगर मेरा ये मैंने कोई रेफरेंस कर्व लिया और ये प्रेशर वॉल्यूम स्पेस है, तो वर्क अपना इतना आ गया. अब इसको मैं सपोज करिए कि वन स्टेप में करता हूं, मैं इरिवर्सिबली कर रहा हूं, W इरिवर्सिबल वन स्टेप, ये W रिवर्सिबल. तो ग्राफ तो ये है, इसके अंदर ये वाला ग्राफ है ना, कर्व स्केचिंग रिवर्सिबल वाले के लिए ही होती है. तो एरिया अंडर द लाइन तो जीरो होगा ही सही, और ये मेरा वर्ग आ गया मैग्नीट्यूड वाइज. और इसमें इसको हम टू स्टेप में करते हैं इरिवर्सिबल को, तो वो कैसे हो जाएगा? ये अपना रेफरेंस कर्व हो गया, फर्स्ट स्टेप में यहां आ गए, सेकंड में यहां आ गए, तो ये दो बिल्डिंग्स बन गई. तो ये W इरिवर्सिबल अपना टू स्टेप वाला एक्सपांशन वर्क हो गया. अगर इसे एन स्टेप में करते हैं, बहुत सारी स्टेप में करते हैं इस रेफरेंस कर्व में, ऐसे बहुत सारे स्टेप में करें, तो अब ये बहुत सारी बिल्डिंग्स बन जाएगी. और इसके अंदर जैसे ये वर्क आ गया, तो ये W इरिवर्सिबल एन स्टेप का हमने माना. तो यहां पे जो ऑर्डर हो गया एक तरह से मैग्नीट्यूड वाइज, W रिवर्सिबल ज्यादा हो गया, फिर एन स्टेप, W इरिवर्सिबल
टू स्टेप, और सबसे कम किसमें है, वन। तो इसके अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड वाइज जो है वो ये रिलेशन आ गया इररिवर्सिबल वर्क। और अगर विद साइन देखा जाए तो फिर ऑर्डर इसके जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी विद साइन हमने देखा कि एक्सपेंशन वाला वर्क जो है वो किसके अंदर ज्यादा है, जो है वो यहां पे इररिवर्सिबल में ज्यादा है। ये कौन से वाले के लिए अपन ने किया है, एक्सपेंशन के लिए किया है। अब इसी को अगर अपन कंप्रेशन के लिए करें तो उसमें तो जो है वो विद साइन और मैग्नीट्यूड वाइज दोनों ही केस में रिलेशन यही आएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही होता है तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं कि मैग्नीट्यूड है या आपको जो है वो विद साइन लेना है, क्योंकि वो तो पॉजिटिव ही वर्क है। तो इसमें है W इररिवर्सिबल, ऑर्डर क्या होगा, W रिवर्सिबल, फिर W इररिवर्सिबल एन स्टेप, W रिवर्सिबल टू स्टेप, सिबल वन, ऐसे हो जाए। जैसे इनके अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हमारा प्रेशर वॉल्यूम स्पेस हो गया और अब की बात कंप्रेशन हो रहा है तो अपन ने वॉल्यूम को क्या किया, यहां ज्यादा है और यहां कंप्रेस हो गया, कम वॉल्यूम हो गया। अगर इसमें वन स्टेप में इसको देखें कि ग्राफ कैसा रहता, इरिवर्सिबल वाला, इरिवर्सिबल का तो ग्राफ होता नहीं है, ग्राफ तो मेनली रिवर्सिबल का ही होता है, तो ये तो रेफरेंस रिवर्सिबल के हिसाब से अपन ने कर्व बनाया है। तो इसमें ऐसे अपन ले गए इरिवर्सिबली, तो एरिया अंडर द कर्व हो गया इतना ज्यादा, और कंप्रेशन वाला तो पॉजिटिव होता है। पर इसको टू स्टेप में करते हैं, जैसे ये रेफरेंस कर्व, तो टू स्टेप में कैसे, ये तो रिवर्सिबल का ग्राफ है ना। अब इरिवर्सिबल टू स्टेप में जाना है यहां, तो पहले ये अपन ने कंप्रेशन कर दिया, फिर ये वाला कर दिया, तो ये दो बिल्डिंग्स बनी है, इनमें एरिया तो ऑब्वियसली इतना अमाउंट से ये कम हो गया। और एन स्टेप में ये और थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसे ही है ना, बहुत सारे स्टेप्स में अपन इसको कर लेंगे। ये सेकंड कर दिया, थर्ड कर दिया, ऐसे बहुत सारी स्टेप्स अपन ने कर दी। तो ये एरिया अंडर द अपना ये कर्व हो गया। तो इसमें आप देखिए और ये व्हाइट स्पेस ब्लैंक बढ़ती जा रही है, तो इस सबसे ये हमारा ऑर्डर रह गया, तो ये करेक्ट है। थर्ड ऑन एन आइडियल गैस In case of single stage expansion and compression, system as well as surrounding are restored back to their original state. तो single stage में ये जो है वो restored नहीं होगा, और reversibly में तो very slow quasi static वाला होगा, तो जो है वो restored इसमें thermodynamic equilibrium maintain नहीं रहेगा। फिर fourth में जो है वो A से B ले जाया जा रहा है फोर सक्सेसिव सिंगल स्टेज एक्सपांशन से, तो जैसे ये फोर्थ है तो सेकंड अपना करेक्टली ना, फोर्थ में मतलब एक इस तरह से अपन ने आइडिया लिया वन
टू थ्री और ये फोर प्रोसेस कर दिए, तो पॉइंट्स देखें 1 2 3 4 5 हो रहे हैं। बेसिकली जो इरिवर्सिबली हम जा रहे हैं, तो कर्व स्केचिंग तो रिवर्सिबल के लिए हो रहा है, लेकिन पॉइंट्स का तो आइडिया लग ही जाएगा, है ना। ये ऐसे ग्राफ तो रिवर्सिबल में बनता है, लेकिन एक आइडिया लेने के लिए अपन ने जो है वो इरिवर्सिबल में पॉइंट्स देखने के लिए किया, तो 1 2 3 4 5 हो गए।